स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढ़ा रहे कानपुर शहर में मेट्रो के दूसरे फेज के निर्माण के लिए बड़े चौराहे पर किए गए ट्रैफिक डायवर्जन का ट्रायल पूरा हुआ। 5 फेज में ट्रायल को पूरा किया गया। छोटी मोटी दिक्कतों को नज़रअंदाज कर डायवर्जन पर मोहर लगा दी गई और आज से 2 साल के लिए डायवर्जन लागू कर दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर में आज से 2 साल के लिए डायवर्जन लागू कर दिया गया है। डायवर्जन रूट पर सहूलियत के लिए ट्रैफिक व स्थानीय थाने की पुलिस के साथ मेट्रो की तरफ से मार्शलों की तैनाती की जाएगी। ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए 5 फेज में ट्रायल किया गया। निर्माण के दौरान बड़ा चौराहे से फूलबाग की ओर जाने वाला रूट 2 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। फूलबाग से बड़े चौराहे की ओर आने वाले वाहनों को मॉल के सामने से ही गुजारा जाएगा। इस तरह के डायवर्जन प्लान के साथ यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। आपको बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस ने मेघदूत तिराहे वाया कलेक्ट्रेट रोड से चेतना चौराहे की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी है और सिर्फ दोपहिया वाहन, ई रिक्शा व हल्के वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। आगे अगर डायवर्जन प्लान में कोई कमी मिलेगी तो उसको सुधारा जाएगा। जो डायवर्जन का जो ट्रायल था 2 दिन का, वो पूरा हो चुका है। अगर आप फूलबाग की तरफ से जाना चाहते हैं परेड की तरफ, तो आपको फूलबाग से बड़ा चौराहा आने के लिए तो 15 फीट की एक रोड छोड़ी गई है, इधर से आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप परेड से फूलबाग की तरफ जाना चाहते हैं और बड़ा चौराहा होकर के गुजरना चाहते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है पूरे रूट को। ये बड़ा चौराहा से आप बाएँ मुड़ के आयकर विभाग यानी चेतना चौराहा से होते हुए, आयकर विभाग बिल्डिंग से होते हुए फिर आप फूलबाग जा सकते हैं। तो ये पूरा डाइवर्जन जो है 2 दिन तक का इसका ट्रायल किया गया। ट्रायल करने के बाद में जब इसे सफल पाया गया, उसके बाद ही अब ये जो कार्य है मेट्रो का, पीछे देख सकते हैं, ये पूरी एक लेन को यहाँ से छोड़ दिया गया है और ये कार्य जो अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। और 2 साल के लिए ये जो डाइवर्जन का रूट रहेगा वो कनपुरियों के लिए अब पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। कैमरापर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज प्लस कानपुर। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।